और भाई राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने, उन्होंने कहा कि सबको न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बयान नियम और संविधान के तहत सब हुआ है। ब्रजेश पाठक ने कहा न्यायपालिका के फैसले पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि न्यायपालिका के फैसले पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, नियम और संविधान के तहत सब हुआ है, सबको न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता जो खत्म हुई है उस पर सीधे सीधे कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की शरणियत है। अब भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं, किसी को भी उस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये सब न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इस प्रकार की अनर्गल बातों का कोई स्थान नहीं है। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की तरफ से, कहा गया कि बीजेपी के लोकसभा अध्यक्ष हैं, इसके लिए बीजेपी ने ऐसा कहा। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किसी दल के नहीं होते हैं, और ये आज से नहीं है, जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तब से चला आ रहा है, और ये सब निर्णय जो है भारतीय संविधान के तहत जनहित में सबको बराबरी से देखते हुए किए जाते हैं, इसीलिए भारतीय लोकतंत्र की दुहाई पूरी दुनिया देती है। ऐसे में अब सड़कों पर उतर के प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरीके से देखिए, उनका सब्जेक्ट है, हमारा मानना है कि हम सबको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। तो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा रही है, बीजेपी का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, संविधान और कानून के अंतर्गत ये चीजें हुई हैं, इस पर किसी को सवाल उठाने का हक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के फैसले को लेकर लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं विरोध करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, साथ ही साथ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक गाड़ी में बिठाया गया। प्रदर्शन कर रहे प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खापरी समेत कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके इको गार्डन पहुंचा दिया। सियासत की सबसे बड़ी खबर है राहुल गांधी की सदस्यता जो है खत्म हो गई, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, जहां पर कांग्रेस के नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतर आए और फिर नारेबाजी बीजेपी के खिलाफ करते हुए नजर आए हैं। दरअसल ये पूरा मानहानी का मामला और उसके बाद से राहुल गांधी को 2 साल की सजा होती है और फिर उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।